कई जगह बड़ा जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। तकरीबन पूरे मारवाड़ में लगभग हर सीट पर विरोध है, बीकानेर के आसपास सारे कई सीटों पर विरोध है, और अब सबसे बड़ा जो दिखने आ रहा है कि रामेश्वर डूडी नाराज हो गए। आपने अभी फोन पर भी बात की है उनसे। जी, रामेश्वर डूडी जी पार्टी के हमारे CLP के नेता हैं, उनके साथ बात हुई। निश्चित रूप से उनने अपने कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर वहाँ पर कुछ सुधारना होती है तो बेहतर होगा, और उसके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष के पास में उनकी जो मैसेज है वो बताया गया है और उनको सुझाव दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उस पर सोच विचार कर और जल्दी उसके बारे में सूचना दी। क्या गुंजाइश है सर, बदल जाएगी? वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर कन्हैया लाल। उनने उनकी बात इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझसे जो बात हुई है निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ उनने उसमें कुछ अपने सुझाव दिए हुए हैं, उन सुझाव को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष बहुत जल्दी अपनी साइड। तीन सीटें बदली गई हैं, इसका मतलब पहले जो दी थी उसमें गड़बड़ी लगी। कहाँ बदली? बीकानेर ईस्ट बदली है, बीकानेर वेस्ट नहीं, इसमें बदली नहीं है। इसमें कुछ सोच विचार करने के बाद में कुछ समीकरण, वहाँ के स्थानिक समीकरणों को देखते हुए जो चयन समिति है उसने अपने कुछ सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जो उनने मान्य किए, तो उसमें बदलने के बदले म्यूचुअली आपसी उसमें समझौता के रूप में आपस में सहमति बनाकर ये निर्णय लिया। सर, कोई गुंजाइश है कि कन्हैयालाल जवाहर को कहीं से और एडजस्ट किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी में आए हुए हैं तो उन्हें अपने अनकंडीशनल पार्टी के अंदर आए हुए हैं, पार्टी को सहयोग करने के लिए आए हुए हैं और उनका सबसे अच्छे से अच्छा जो भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है निश्चित रूप से। सर, एक सीट पर घोषणा बाकी है, बाकी है, महुआ अभी क्यों अटकी है सर? नहीं, महुआ के बारे में वो भी घोषणा रात तक की हो जाएगी। डॉक्टर अशोक शर्मा को दे रहे हैं टिकट? इस प्रकार नामों के ऊपर में नहीं है, लेकिन नाम को लेकर वहाँ पर कुछ समीकरण का, जैसे मैंने कहा कि BJP की भी लिस्ट का हम इंतजार कर रहे थे, कुछ विपक्षी भी कुछ नेता जो संपर्क में बनाए हुए हैं उसके ऊपर में विचार कर रहे थे और बहुत जल्दी उसके बारे में रात तक लेट नाइट तक उसमें भी। सर, असंतुष्टों को मनाने के लिए कोई रणनीति बनाई? शर्मा ने अभी भी असंतुष्टों का, देखिए ऐसा है कि पार्टी जब भी कोई निर्णय होता है तो ये निर्णय आपने देखा होगा कि एक सामूहिक रूप पर सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और आज की वर्तमान परिस्थितियों में वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो भी उनके सुझाव हैं और साथ ही साथ अभी जो राजनीतिक जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं उनको निर्णय में उनको मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ जगह पर कुछ नेताओं के मन की बात नहीं हुई हो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और पूरी गंभीरता के साथ में पार्टी को विजय बनाने की अपनी कोशिश करते हैं। सर, आप राजस्थान दौरे पर कब से जा रहे हैं? जी, राजस्थान दौरे पर आप कब से जा रहे हैं? मैं कल जा सकता हूं कुछ दो एक जगह पर, आज रात में फाइनल करूंगा जहां पर नॉमिनेशन में मैं शामिल हूंगा और उसके अलावा सेक्रेटरीज जो हैं वो भी दोनों सेक्रेटरीज निकले हुए हैं, क्योंकि कल अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर नॉमिनेशन नामांकन भरे जाएंगे, तो कोशिश एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के सचिव भाई जितने भी हैं और साथ ही साथ में वहाँ के स्थानिक लोग उसमें सहयोग करें। आप कहाँ से टोंक जा रहे हैं या जोधपुर जा रहे हैं? नहीं, मैं हो सकता है कि शायद झालावाड़ जाऊँ।